से चाइनीज है ये खराब हो गया, मजा नहीं आ रहा रीले। तीसरी गाड़ी का इंतजार करते हैं फिर निकलेंगे। 2 बजे शायद कार्रवाई तो छोड़ दी, कांटा वगैरह हो ही रहा होगा। बंदा सेफ होना चाहिए यार, कैबिन से आज सेफ होना चाहिए आगे। कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 6:24 और हम निकले थे भाई तकरीबन अभी हो ना, हमने साहिल भाई का जो घर है वो भी पार कर दिया, मतलब जहाँ से उनका घर का रास्ता जाता है, तो हम पहुँच गए अनंतनाग बाईपास। अभी चले रहे हैं, पूरा व्यू चेक करो भाई एक बार, क्या प्यारा व्यू है। अभी चाय पीनी थी आगे, पर वहाँ पे ना यहाँ ढाबे थे, पंजाबी ढाबे, वहाँ पे वो यात्रा करके भाई देखो एक बार सुरक्षा कितनी है रोड पे। अभी तुम यात्रा करके तो सही है यार, अभी हमें मिलेगी ये सारा बांध तक, बाल टाल तक, जहाँ तक हमारी अगली कार्रवाई होती वहाँ तक ऐसा ही रहेगा सिस्टम। और ट्रैफिक अभी सुबह सुबह ही कितना ज़्यादा हो गया, तो बाद में ट्रैफिक काफ़ी मिलने वाला है। तो यार चलते रहेंगे क्योंकि यात्रा का सिस्टम है, यात्रा वहाँ से आती है यहाँ पहलगाम, फिर सुबह यहाँ पहलगाम से यात्रा निकलती है वहाँ के लिए, अगर वो निकलेगी तो हमें रोक दिया जाएगा वापस से। आज ना सुबह हल्की हल्की ठंड लगी यार, अभी भी हल्का का ठंडा ठंडा मौसम है, पर बढ़िया यार मज़ा आ रहा है। यहाँ से भी सिंगल ट्रैक आ गया, चलो सही है, कम से कम गाड़ियाँ तो ऊपर से जा रही है, नीचे से ऐसे फाटक पार करना पड़ता है, बंद ही किया हुआ है। और इसी के साथ हम पहुँचे हैं भाई टोल में, हालांकि कश्मीरी डिवीज़न में एक ही टोल है बस, अभी टोल करते हैं पार। अब उसके बाद चाय पता नहीं कहाँ पीनी थी, पवन ने चाय तो पिलाई नहीं, हो रहा है कि पवन भैया हेलो, हमसे रेस की थी आज पहली बार, मेरी लाइन तेज चल रही है पर लग रहा नहीं है। मैं ठीक हूँ, टोल पार करने के बाद पंपोर हम पहुंचने वाले, और जेहलम नदी को बार बार हम कभी जेहलम नदी तो जा रही है, कभी तो जा रही है, और व्यू कितना प्यारा है देखो यार। यहाँ पे मिला एक पंजाबी ढाबा, चाय पीने चले हैं? नहीं नहीं ठीक है, शीशे शीशे साफ करने यार, गड्डी तो नहीं आ गए, चलते हैं हम यहाँ से आगे, चाय तो पी लिया, चलो यार थोड़ा रिफ्रेशमेंट होगी। और बर्तन वगैरह सारे यहीं पड़े हैं, अभी दाल देखते हैं अगर खराब नहीं हुई तो चलेगी। श्रीनगर बाईपास हमने ले लिया, ओह शिट कुत्ता मर गया भाई रोड पे। श्रीनगर बाईपास आ गए हम, अब बस एचएमटी से गाड़ी यू टर्न लेके बस चल जाएंगे सिंगल रोड पे, जहाँ पे भी कुछ जाम लग गया पर ना वो सही रहना चाहिए यार, गाड़ी पलट गई। जा जा भाई तू चले जा, यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं, सामने चीज देख के फिर जल्दबाजी करते हैं यार। बंदा सेफ होना चाहिए यार, कैबिन से आज सेफ होना चाहिए आगे। टायर फट गया, क्या हुआ यार, जब पीछे से सीधी आई गाड़ी ऊपर चढ़ गई, क्योंकि डाइवर्सन है ना यहाँ पे, रोड का काम चल रहा है और यहाँ बोर्ड भी नहीं लगे यार। चलो वो भी यार बंदा बच, हम आगे भाई NH 44 से अंदर, शायद जिसका नाम ही NH 44 अभी पता नहीं, पर हम यहाँ से हमने सिंगल ले लिया, अब हमारा सारा रास्ता ऐसा ही रहने वाला है। साइकिल वाले भैया थोड़ी जगह दे दो यार, अब 4 लेन कहीं नहीं मिलेगी, अब सारी हाईवे रहने वाली है, थोड़ा जाम रहेगा अभी, सिटी इस तरफ आए ना हम। प्यारे व्यू के साथ हम पहुँच आए भाई सुंबल, सुंबल FCI भी यहाँ पे कहीं होगी, और यहाँ पे नदी साथ में, नहाने का मन है पर आगे देखते हैं। अभी पवन भाई को गांधर में थोड़ा काम करवाना गाड़ी का, टाटा के राज में, तब नहा लेंगे। अपना भी शीशा ना पूरा गंदा हो गया, और यहाँ पे एक रोक दी गाड़ी से, यात्रा आ रही होगी या कुछ मसला होगा, तो पूरी लाइन ही रोक दी है। अभी चलते जा रहे ना, मसला ये हो गया जैसे ना वो यार आगे शायद जा वो, मतलब उनके यात्रा रुकने के लिए जगह है वो है, जहाँ कोई नाका है क्या है, पर आगे काफ़ी पुलिस वाले हैं, तो उसी वजह से गाड़ियाँ देखो भाई कितने पुलिस वाले हैं। और चलो यार ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं, यात्रा क्लियर करवा रहे हैं, बस सोना मार तक हमें रहेगी टेंशन, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे। हाँ जहाँ पे कुछ यात्रा का मसला, यात्रा की गाड़ियाँ रोक के रखी क्या किया है, पर देखो आगे का व्यू आप यहाँ पे कितने, ओह गाड़ी पलटी है, सॉरी सॉरी, देखो यार कौन सी है, मारुति इको, अच्छा इस चक्कर में जा, ओ हो टैंकर भी, ओहो ये टैंकर, और आज क्या हो रहा है यार, फायर ब्रिगेड भी आ गई, देखो यार ये चीज़ यहाँ पे मेरे को एक चीज़ सही लगती है ना, मौके में हर चीज़ आ जाती है, फायर ब्रिगेड गाड़ी कर दी, पाइप बिछा दी, क्योंकि अब उसमें शायद पेट्रोल भी हो सकता है, तभी यात्रा सारी रोक दी, अगर पेट्रोल होगा तो भाई कभी भी आग लग सकती है, तो उसकी दिक्कत आ सकती है। चलो यार सब सेफ रहना चाहिए, आज सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है यार, आज दूसरा एक्सीडेंट देख लिया सुबह से हमने। बर्तन वगैरह भी हमने यहाँ पे धो दिए सारे ना, दाल हमारी कल की वो ख़राब हो गई थी, चावल भी वो हमने किए साइड में, दर्द धो दिए, यहाँ परांठा खाया, पर भाई कैसा आया टेस्ट ढाबे के रोटी का,
मतलब सबसे बेकार था यार, मक्खी पड़ गई ना खाने में, मतलब चेंज करो, बोरे नहीं आप थोड़ा लेट हो गए, हम हाथ दौड़ से बोले आ गए, मतलब हद है यार तुम्हारी। मतलब ऐसा नहीं कि सब खराब ढाबे हैं, जो भी यहाँ पे यात्रा करने आ रहा है आप कहीं देख सुन के ढाबे में रुको यहाँ पे, हाँ सही है यार, कहीं जगह बड़े गंदगी है। तो हम यहाँ रुके थे क्योंकि पवन में अपनी गाड़ी का काम कराए, वो पीछे रुके, तो हम यहाँ आगे आगे रुके कंगन पार करके, अब करेंगे हम उनका वेट फिर निकलेंगे आगे, क्योंकि यहाँ आगे से शायद कानवाई 2 बजे के बाद ही होगी, सोनामर्ग वाली गाड़ियाँ अभी तो चल ही रही हैं, गाड़ियाँ से चल सब कुछ चल रहा है। आदर्श और भी आ गए, बस अब जाएंगे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने की नहीं, मेरे को लगा कि पीछे करके आएंगे, तो इस ढाबे में तो बहुत ही बेकार था, पीछे ढाबा है, वहाँ वाशरूम भी जाना है। हाँ जी जी अरे सर जगह करने हैं ना यार, इधर की जगह है, चलो तुम ओके ओके वाशरूम उधर इधर बाथरूम उसे होटल पर है, चलो फिर आओ, उधर सामने बाथरूम भी है यार, भी है चलो ना फिर, ये गाड़ी और आ गई साथ में। अभी इतनी भी गर्मी नहीं है यार जितना मैं डराया गया, इंसान नहा भी सकता है मुझे लगता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है यार। आदर्श और उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम वापस आके गाड़ियों के पास, अब 3 गाड़ियाँ होगी साथ में, अब निकलते हैं यहाँ से सीधा आगे की तरफ न्यू कनेक्टर जी। और कन्नू सही बंदे बोल रहे होंगे, कन्नू कौन है, मतलब मैंने बताया भी नहीं, कन्नू भाई फोटोग्राफर का काम करते हैं, ये सिर्फ घूमने के लिए हैं लद्दाख, मतलब कहीं भाइयों को पता नहीं होगा कौन है यार नया कनेक्टर, तो रख लिया, ऐसा नहीं है यार, वो सिर्फ उन्हें घूमने के लिए आए। निकल पड़ी गाड़ियाँ यहाँ से, चलो पवन भैया चलते हैं अब से, पता नहीं कब तक गाड़ी छोड़ेंगे, कोई कंफर्म नहीं है, शाम को छोड़ते हैं क्या करते हैं, पर वहाँ चलते हैं सीधा, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भाई ठंड है, सुबह थी हल्की ठंड, बाकी अभी गर्मी, अभी रोड में इतना ट्रैफिक है ना के देखो आप, क्या प्यारा रोड है, ट्रैफिक भी है, पर यहाँ तक ही थोड़ा रहेगा बालटाल जो यात्रा है वहाँ तक रहेगा रश, उसके बाद तो भाई फिर रश भी कम हो जाएगा, क्योंकि लेह लद्दाख में आराम से चलो फिर आराम से रुको, अभी गाड़ी पे मैं धोनी है, गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है भाई, पूरी चढ़ाई चढ़ रहे हैं तब से, कभी टेम्परेचर अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, बाय बाय भाई, बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है यहाँ से, और व्यू चेक करो एक बार, सोच रहे हैं सोनामर्ग पहुँच जाए ना, तब ट्रैफिक कम हो जाएगा छोटी गाड़ियों का, फिर आराम से चलेंगे। अब थोड़ा ही रह गया सोनामर्ग, पर यह कि बर्फ जीना स्टार्ट होगी यहाँ से, जीना डर लेंगे हमें बर्फ दिखेगी, अब वो देखो पास सामने बर्फ हो रही है, बर्फ का ही पानी है यहाँ पे, तो नहाना बहुत मुश्किल है, इतना ट्रैफिक है ना भाई, इतना ट्रैफिक है, छोटी गाड़ी को भी देखना, अपनी गाड़ी बचानी दूसरे की बचानी, बड़ा मुश्किल हो गया, चलो थोड़ा ही रह गया। अब यहाँ पे देखो ना पानी को, यहाँ पे स्पीड कम की हुई है, ये लोगों से नहीं कहते क्योंकि है रेत निकालने के लिए, यहाँ से रेत स्लो होता है ना, रेत बैठता है ना वहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ वो बाउंड्री दी जा रही है, बाकी भाई पहाड़ थोड़ी देर पेड़ पौधे, उसके बाद पेड़ पौधे गायब, यहाँ पे भी लग गया जाम, और यार पूरी चढ़ाई पे जाम है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर्ची कट रही होगी ना कि ट्रकों की, हाँ वो म्युनिसिपैलिटी वाली 50 रुपए यहाँ भी लेंगे, यार कितनी लुक बह गया, ये कहाँ तक गई हुई नीचे है ना, वो देखो पार भी लुक है, पूरी नाली लुक से भरी है, और नीचे रोड में भी आई थी, टायरों में भी लगी लुक, या तो गाड़ी गुड़ी से गिरी है या क्या, मतलब जहाँ से शुरू हुई वहाँ जाके देखते हैं, ऊपर वो नाली में लुक की लुक है। और पवन भाई पीछे हो गया, पूरी गाड़ी मेरी माथे में रुक रही थी, फिर मेरे को जगह थी, मैं आ गया थोड़ा सा, देखो रोड ये है ना यहाँ, देखो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, देखो उस सोमो वाला कहाँ घुस रहा है, फिर जाम लगता था उसके आगे घुस गया, गाड़ी को ब्रेक देनी पड़ेगी यार, माथा है यार, पर नहीं समझते छोटी गाड़ी वाले, सच में नहीं समझते यार, वही समझता जिसने अच्छे से गाड़ी सीखी है या बड़ी गाड़ी का पता, जिसको भाई कुछ पता नहीं है इस बारे में वो नहीं समझ सकता। हम सोनामर्ग बाईपास पे और टाइम 2:15 हो गए, तो मैं रुकते हैं यहाँ पे, गाड़ी और आ रही थी उसका वेट करते हैं, और सोनामर्ग सिटी में रास्ता पार से चला गया, यहाँ तो व्यू काफ़ी प्यारा, और भाई थक भी गया, टायर वगैरह कर लेते हैं एक बार, दर्श को बोलते हो चेक कर ले यार, और इतना जाम था ना, रात को निकला यहाँ से काफ़ी बेहतर है, रात को ना छोटी गाड़ी नहीं होती, इंसान आराम से अपनी मर्जी चल पाता, यहाँ पे गाड़ियों के पीछे पीछे गियर लगा लगा के क्या ही बोलें यार, अपने भी का टायर चेक, गाड़ी काफ़ी गर्म हो गई है, थोड़ा खोलें जल्दी हवा लगेगी, थोड़ा ठीक हो जाएगी बेचारी, इसको भी रेस्ट चाहिए, शीशे भी धोने थे पर आगे ही धोएंगे अब गाड़ी ना, जचीला चढ़ के। तीसरी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं फिर निकलेंगे, 2 बजे शायद कानवाई तो छोड़ दी, कांटा वगैरह हो ही रहा होगा, लेपरा पवन में नहा रहे, पर पानी ठीक है यार, नहा के बंदा फ्रेश हो जाता है, मैं भी नहा लेता सोच रहा हूँ, नहा धो लिया हमने भी, नहा लिया अब बाकी सब गाड़ी चलेगी आगे, तो हम रह गए पीछे, और यहाँ पे आपको पता कांटा पूरा 35 टन का अपनी गाड़ी, पहला चक्कर है, हम थोड़ा सामान खाली किया उतारा, मैंने लगा कोई फ़ायदा नहीं रिक्स वगैरह लेने का,
और अभी गाड़ी चढ़ रही है एक नंबर पे, काफी बड़ा मसला था। पहुंच के सोनामर्ग या ग्राउंड में कांटा करवाने के लिए, यहाँ सिस्टम अलग सही है यार, यहाँ पहले घुमाओ गाड़ी फिर यहाँ से पूरा यूटर्न लेके वो जा रही है, यहाँ सीधे जाने देखे गाड़ी जैसे नंबर आ रहा है, और यहाँ बंदा 50-50 रुपये भी बिना मतलब के ले लेते हैं। बोरा मैंने गाड़ियाँ लगवाई हैं, और अब खाना बनाने के लिए भी सब्जी वगैरह लेंगे, पहले गाड़ी कांटा हो जाए ना। आगे वाली लाइन ख़त्म होगी बस, इसके बाद हमारी ये लाइन शुरू होगी, वहाँ से एक गाड़ी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर हम, तो मैं वहाँ लंबा नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से ही यहाँ इस तरफ ले लूँगा टर्न। देखो चल पड़ी, इतना लंबा टायर घिसाने का मतलब नहीं, जब मेरा नंबर आएगा तो मैं सीधा भी जा सकता हूँ भाई। और हमारे पीछे गाड़ियाँ ही नहीं है यार, गाड़ियाँ थोड़ी सी हैं यही गाड़ियाँ, तो क्या जल्दबाजी करनी इसमें। अब बस अपनी गाड़ी का नंबर आने वाला है, चलो भाई तो चल पड़ी आगे से। कांटा वगैरह हमने ना अपना सारा सामान वगैरह सब्जी ले ली सब, भाई भाई मिलने के लिए सब टेम्पो चलाते हैं, और सेठी भाई भी आए। सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन गाड़ी की, हाँ पहली बार मिले, उसके बाद नई गाड़ी है तो पहली बार मैंने देखी। करो करो कांटा जल्दी, अच्छा माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। बाकी क्या, आज एक साथ ही चले गए, हमें कारगिल का माल है वहां तक साथ ही चलेंगे भाई, सभी आधे रिश्तेदार हैं, क्या क्या रिश्तेदार ही दिलों पर है कि सब भाई हैं यहाँ पे, अभी अभी फ्रेंड है सभी, अभी सब फ्रेंड है यहाँ पे। तो यह यात्रा के साथ जैसे ना अमरनाथ यात्रा चल रही है, जैसे बालटल यहाँ से आगे अभी यहाँ से 9-10 किलोमीटर, तो वहाँ पे ड्रॉप करके फिर आराम से अपनी जगह रुके, गाड़ियों पे खाना वगैरह बनाएंगे, तो हम भी बस हम निकलेंगे सब्जी वगैरह लेके, क्योंकि अभी जजीरा जितनी हम लाइट में चढ़ जाएंगे उतना सही है, और आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है भाई फिर चलिए। ओके निकला है वहाँ से ना, पर ऐसे कांटा करवाया, एक पर्ची किसी ने देखी नहीं, अभी चले रही हम कंटिन्यू। यहाँ पे देखो यात्रा की गाड़ियाँ रुकी हैं यहाँ पे, बस यात्रा ही है 3-4-5 किलोमीटर। वो रास्ता ने जो बालटल अलग हो गया, वो देखो जो श्रद्धालु जा रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं, अब हम चलने शुरू हो गए जजीरा धीरे धीरे, थोड़ी देर में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, हम उन पहाड़ों को टच करेंगे अभी जाके, लग रहा है वहाँ तक गाड़ी जाएगी, उन पहाड़ों तक जाएगी छोटू। अभी यहाँ से शुरू हो गया, पर यहाँ थोड़ा गाड़ियों में डिफरेंस है, कई बार मेरी गाड़ी मोश में चढ़ती है, एक बार मैंने उसको ओवरटेक कर दिया, उसने मेरे को ओवरटेक कर दिया, आजा भाई आजा, तू भी आजा निकलने का जल्दी कर, यहाँ मोशन टूटना भाई फिर रिक्स हो जाता थोड़ा सा। अब चलते हैं आराम आराम से ना, वो यात्रा वो देखो, मैंने दर्श को बोला भी था, मैंने दर्श को बोला मैं जब ऊपर जाएगा ना तो वहाँ इतनी इतनी गाड़ी देखेगी, अभी इसको विश्वास ही नहीं हो रहा, अभी विश्वास आएगा। देख टेम्पो पिछाने हो रहे हैं ना, अभी पिछाने हो रहे हैं, कोई बात नहीं ऊपर जाके पूछूंगा। और अभी गाड़ी नहीं है ना, हमें बिल्कुल आराम से चलना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जोर नहीं लगवाना, बिल्कुल आराम आराम से। सेठ भाई भी पीछे आ रहे, वो अभी कांटा करवा रहे थे, मतलब हम चलते हैं क्योंकि 10 चक्का 12 चक्का का मुकाबला नहीं है चढ़ाई में, वो आ जाएगी हमको पकड़ लेगी। हम चढ़ रहे हैं भाई 2 नंबर 3 नंबर, अभी 3 नंबर चढ़ रही है, पर देखो आगे माथा आ गया, यहाँ पर ले लेगी 2 नंबर। और व्यू चेक करो, अभी बर्फ़ दिखेगी आपको भी, बीच में रास्ता इतना ख़राब आता है ना, आपको समझ में आएगा। और यहाँ से एक बार उस मोड़ से आपको दिखेगी जहाँ पे यात्रा वगैरह नीचे खड़ी है, इतनी गाड़ियाँ खड़ी ना, मैं दिखाने की कोशिश मतलब यहाँ से दिखा पास आके ना, यहाँ से दिख जाएगी अच्छे से ना, और नीचे को कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो नीचे इतनी छोटी गाड़ियाँ, सोचो कितने रश होगा, बंदे कितने अगर गाड़ियाँ इतनी गाड़ियों में इतना रश है, तो यहाँ पर पता नहीं है पुलिस वाला में सीटी मारने लगा क्या करने लगा है। इतनी ज़्यादा यात्रा भी रोक दी था आर्मी वालों ने, क्योंकि यहाँ पर रास्ता सिंगल है, देखो ना सही किया उन्होंने, रोक दिया, हम रुक के आए, पूरी गाड़ी बढ़ा के मोड़नी पड़ रही है। पहले से रास्ता थोड़ा बह गया यार, ऊपर से पत्थर वगैरह आते हैं ना, अभी हमको ऊपर जाना वहाँ पे, वो आपने देखा होगा भाई। चल 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 चल, हाँ हम सारे दूर, वो आगे देना खड्डे कितने यहाँ पर, जा भाई जा जा, तुझे है जल्दी, हमको कोई जल्दी नहीं है मेरे भाई, हम चलेंगे आराम से। वो JK 11 वाले भाई, JK 11 के होके भी ऐसी बात कर रहे हैं रास्ता देखो एक बार यार, ऐसा ना मूवीज में देखा होगा दर्शकों ने ना, फिल्मों में, आज रियल में गाड़ी जा रही है अपनी यहाँ पे भाई, मिल तो रहे हो पर यहाँ जगह ही ऐसी है भाई, कितना खराब रास्ता हो गया यार। और एक देखो अभी इनको जल्दी थी ना ओवरटेक करने की, चाहे हमारे वहाँ के, पर ये बात क्या यार, और गाड़ी ने रोड में लगा दी। ओ भाई यार कितने खड्डे यार, क्या करें, चलेंगे अब धीरे धीरे। और नीचे देखो यहाँ पे नीचे ना, यहाँ से आपको पैदल ट्रैक लेना पड़ेगा सारा अमरनाथ के लिए, यहाँ पे जो टेंट वगैरह लगे वहाँ पे यात्रा को रुकने के लिए सुविधा, बाकी इतनी गाड़ियाँ, एक यहाँ से दिखाना इधर गाड़ी, एक बार इधर गाड़ियाँ देखो कितनी ज़्यादा हैं, आप सोचो गाड़ियाँ इतनी हैं तो बंदे कितने होंगे, ये सब भाई गाड़ियाँ नीचे, ऐसा लग रहा है छोटी छोटी मक्खी वगैरह कुछ पड़ी हैं, ऐसा नहीं है
गड़म गड़म ही हो रहा है नीचे। चलते हैं आराम आराम से, क्या करना। मैं कन्नू को बोल भी रहा हूँ, मैंने बोला भाई तू चला जा यहाँ पे दर्शन दर्शन करके आ। ये देखो आप एक बार अच्छे से देखो, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ना सब गाड़ियाँ हैं, देखो बसें छोटी गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे सब रहने वाले। और ट्रैक यहाँ से अंदर पहाड़ों पहाड़ों से जाना पड़ता आगे, शायद कितना किलोमीटर, 25 28 किलोमीटर है। वो ऊपर से जहाज़ भी जा रहा है, और यहाँ पे हमने रखी है अभी गाड़ियाँ, टायर वगैरह। टायर को मसला नहीं है अभी, टायर तो चल नए पर रहेगी यार, गाड़ी थोड़ी गर्म होगी। कहाँ वो नीचे से आए कन्नू, वहाँ जाना है अभी, एक इसके ऊपर एक और जाना है अभी। भाई यहाँ पे ना कितने लोग कितने दूर दूर जाते हैं, और हम यहाँ इतने पास से निकलते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे ही, कितनी जगह उज्जैन जाते हैं, उज्जैन कितने पास से निकले, इतनी इतनी जगह के हम पास से निकलते हैं पर जाने नहीं हो रहा। कहने को हमने ऑल इंडिया घूमा है पर सिर्फ रोडे रोडे, एक्सप्रेस वे कहाँ से है, बाईपास कहाँ से है, नो एंट्री कौन सी सिटी की है, बाकी कुछ नहीं पता। और सिटी भी नहीं पता होती भाई कौन सी है। और यहाँ पे देखो लोग ना कितने दूर दूर से आ रहे हैं यार दर्शन करने के लिए, और पैसे फ्री लंगर लगाए हुए हैं, और यहाँ पे कहीं फ्री लंगर लगाए हैं। हालांकि हमें कल खाने को नहीं मिला क्योंकि गाँव गाय लगाने की जगह नहीं थी। मैं तो कन्नू पूरा तुपया अब हम स्टॉप लेंगे पूरा जरजिला चढ़ के ही सारा यार, है ना, सारा जरजिला चढ़ते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मीटर चढ़ाया तो लास्ट मथा चढ़ी तो ऊपर लेना है हमें स्टॉप, उसके बाद सीधा उधर फिर अपना सब्जी वगैरह बनाना शुरू करेंगे। एक बार तड़का तुड़का लेंगे, रुकेंगे, उसके बाद चलती गाड़ी में, एक में कन्नू पकड़ेगा कुकर, एक में दश पकड़ेगा कुकर, सफर भी निकलेगा और गाड़ी भी चलती रहेगी। ओके चलो अब यहाँ से निकलते हैं। दर्श को मैंने आगे भेज दिया, मैं आगे से रील्स वगैरह। वो देखो वो ऊपर जाना भी हमको यार, वो बोलो भाई गड्डी, ये दो तीन मोड़ खतरनाक है, और कोई खतरनाक नहीं यार। मतलब जो हमें टॉप चढ़ गया ना उसके बाद कोई खतरनाक, यही खतरनाक है जिस जिला। चलो भाई पीछे पीछे, तो यहाँ पे यार सही व्यू आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, और आपको भी ना ये ब्लॉग अलग तरीके से देखने को मिलेगा यार, यार मस्त। दर्श को हमने आगे बैठाया, और ये दो तीन मोड़ हैं और टफ हैं, एक बार आराम से हम चढ़ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। बस अभी रील्स वगैरह भी शूट करेंगे। जिन भाई ने अभी इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया भाई, जाके इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें अनुज ब्लॉग्स करके। भाई ये खतरनाक वाला एक मोड़ आ गया है, यहाँ से चढ़ जाएगी गाड़ी, दो नंबर चढ़ जाएगी। कौन आ दिया चढ़ जा जन्नत। एक मोड़ था ना भाई चढ़ा आराम से ऊपर, अब अगला वाला मोड़। रास्ता खराब है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है नहीं खास यार। खड्डे तो गाड़ी तो भाई मोशन में चढ़ती है, तीन नंबर भी चढ़ती है, पर खड्डे है ना, फिर खड्डे कूदने पड़ते हैं, कितना खतरनाक है। मैं ना यहाँ पे किसी का अगर पुराना टायर होगा ना तो भाई पुराना टायर मानो गड़म, पुराना टायर कहीं चल पाएगा, नए टायर को रिक्शा में देखो कितने पत्थर है बाहर। पूरा रास्ता खराब है भाई, क्या ही बोलें इस रास्ते को, क्या ही करें यहाँ पे ना। बाकी सिर्फ ऊपर तक खराब है, यहाँ मैं जरजिला खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो भाई फिर प्यारा लुक है यहाँ पे। खड्डों पे गाड़ी भी टूटती है, तेज भी नहीं चल सकते तुम, टायर फटने का भी खतरा जैसे आपको बताया। दूसरा मोड़ भी हम मुड़ के आगे ऊपर, थोड़ा वो भी टफ था भाई, एक चढ़ाई रह गया कन्नू पे, बर्फ मतलब मैल जमी है उसके ऊपर, ये नीचे बर्फ ही है, ये पड़ी है ना, ये बर्फ ही हो या नीचे से वहाँ से वहाँ तक ऊपर आ गए हम। थोड़े दो तीन मोड़ रह गए, आ गया भाई ये ऊपर, सारी चढ़ाई चढ़ गए हम। अब आने वाला एक मथा पूरा, बस वो मथा हम चढ़ के उसके बाद फिर आराम से, फिर पहाड़ों के बीच बीच से काफ़ी प्यारा व्यू। बस यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना मेरे को, यहाँ पे मैं अब आ गया एक नंबर, बिल्कुल आराम से चढ़ रहा हूँ, देखो गाड़ियाँ मोशन तोड़ के खड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे रिक्स है भाई काफ़ी, तो बिल्कुल ध्यान से। और यहाँ पे नीचे खाई देखो एक बार आप, यहाँ से हम आराम से चढ़ेंगे यार क्योंकि यहाँ पे भाई बिल्कुल रिक्स नहीं लेना, ये माथे में गाड़ी रहेगी यहाँ से गाड़ी उठेगी नहीं, पीछे जाना पड़ेगा, और गाड़ी को बिना मतलब क्लच पे जोर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 10 चक्का दो नंबर चढ़ती है वही मोशन पे, तो ये कहीं दो नंबर चढ़ेगी 12 चक्का, बस अब चढ़ रही है चढ़ रही है, चढ़ जा चढ़ जा भाई, यही चढ़ाई है कन्नू भैया। ओ भाई 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 चल 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 चल, चलो नीचे देखो एक बार यार। हालांकि कई भाइयों ने ये वीडियो पहले देखी होगी, पर जब मैं सरहंद के जो अपने से नए भाई जुड़े, नए सब्सक्राइबर जुड़े भाई, वो देखो एक बार कैसी रोड है यार, मतलब 12 चक्कर की रोड नहीं है यार। अब काम नहीं, हम भी इधर आ रहे, पर अब मेरा लास्ट ही चक्कर है ये, अब बाहर देखो और कहाँ कहाँ से गाड़ी आ रही है, ये चीज़ चेक करो भाई यार। जन्नत फाइनली हम पहुँच आए टॉप पे कैप्टन मोड़, यहाँ से अब पार्क का नज़ारा, पार्क से हम सारा घूम के आए और रील्स वगैरह हम शूट कर रहे थे अभी, थोड़ा इंडिकेटर लाइटें वगैरह ऑन रखी हैं, वहाँ पे दर्श बैठे ना फ़ोन उसके पास है, तो वहाँ से रील्स वगैरह शूट भी कर रहे हैं। मतलब ये भी नहीं अपनी सेफ्टी रख के, ऐसा भी नहीं कोई जबरदस्ती कर रहे हैं,
आराम से देखो वो आगे से शूट कर रहा है, कोई गाड़ी नहीं आगे पीछे, पूरा ध्यान रखे भाई और बिल्कुल प्यार से। गाड़ी की स्पीड आप चेक कर सकते हैं, 20 की स्पीड है अभी। पहुंचा है ऊपर कैप्टन मोड़ पे, यहाँ पे रुकती है अब कैप्टन मोड़ थोड़ी देर क्योंकि आज अपने पास टाइम है। कैप्टन मोड़ ये कैप्टन मोड़, यहाँ का भी एक इतिहास है। यहाँ पे शायद जैसे हमने सुना ही है, यहाँ पे आर्मी का कैप्टन था, उसकी डेथ हुई थी, है ना, तो उस वजह से। और नीचे एक बार खाई देखो, ये पुरानी रोड है। जब मैं ना फर्स्ट टाइम ले आया था 2015 में संजीव भाई के साथ, तब उस रोड से थे, उस रोड में ना वो पार ना, तो जूम कर दिखाना, वो पार वो कुछ मोड़ है। यहाँ पे टैंक को भी ना 6 चक्कों की गाड़ी को भी एक बार पीछे करना पड़ता था, तब तो ये रोड बढ़िया हो गया। अब 12 चक्कों को पीछे या 14 चक्कों को अगर कहीं कट कम होगा तो पीछे करना पड़ेगा, बाकी 12 चक्कों कहीं पीछे करने की जरूरत नहीं है जर्जिला में। आप पहले वाला रोड चेक करो यहाँ नीचे से, आराम से पहले वाला जर्जिला नहीं रहा भाई। और जो वो रोड थी ना, वो रोड ऐसी रोड थी, अगर वहाँ से आगे से अगर बाइक आ रही है तो अब मानो बाइक को जगह नहीं थी, बाइक जब टैंक रुकेगा बाइक वाला कहीं साइड देगा, तो ऐसा सिस्टम था। यहाँ पर तो 2 गाड़ियाँ पास होती हैं, बीच बीच में कई जगह पर रोड ख़राब है। और सामने देखो कितना हाइट है, आप पहले आए पवन बता रहे, जब पहले वो आते थे ना तो वो उस मत्थे में ना 6 चक्का अपने जोर में चढ़ती नहीं थी, पत्थर लगाओ फिर वो यहाँ से 1-2 फीट आगे जाएगी, फिर पत्थर लगाओ फिर 2 फीट। अब तो गाड़ियाँ भी और उन गाड़ियों में इन गाड़ियों में बहुत फ़र्क है यार, शायद अगर वो रोड होगी अब की गाड़ियाँ होंगी वो चढ़ जाएंगी। चले यार भूख भी लगी है, चलते हैं अब यार। और हमारा एक ब्लिंकर और ख़राब हो गया, पता नहीं यार 2 ब्लिंकर जो से गाड़ी आई ना, 2 ब्लिंकर ख़राब हो, आगे वाला और एक जो नीचे लगाए थे यार, पैसे वसूल नहीं हुए इनके। ये ऊपर वाले चल रहे हैं जो रेड में यार, ये बढ़िया वाले थे, इसमें 4 कलर थे। इससे जो हल्के वाले जिसमें वो रेड वाला वो सही चल रहे हैं यार, जो हमारे पुराने। ये नए मॉडल गया यार कबाड़ से, चाइनीज है ये, ख़राब हो गया, मज़ा नहीं आ रहा, रीले हमारी कितनी ख़राब कर दी इसने। अब क्या करना, जो यहाँ पे वो पीछे लगा ना जो एक, उसको भी खोल के यहाँ लगा, नीचे वाला खिला करते बंद, जब वापस जाएंगे डब वाली तो वहाँ से ये लेंगे। ये सही है, तीन लाइटर ना, ये सही है ना, ये उन्होंने बोला है सही है यार, एक मज़ा नहीं आया। चलो यार अल्टीमेट व्यू जिसको कहते हैं ना भाई, अब कोई शब्द स्पीच लेस, वो सिस्टम है यहाँ पे। अब एक चीज़ मैंने देखी यार, अक्सर खूबसूरत चीज़ खतरनाक होती है। अब देखो ये खूबसूरत है पर खतरनाक है, देखो खतरनाक कितनी है पर खूबसूरत है। हाइट वाली गाड़ी में दिक्कत है यार, कंटेनर वगैरह को बड़े ध्यान से निकलना पड़ता है इस साइड से कर करके। अपनी गाड़ी में चलो हाइट नहीं है, बस अब कोई चढ़ाई नहीं है, प्लान ही ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रह गया चढ़ाई बस। 18 किलोमीटर रह गया यहाँ से दरास में जाके डालेंगे डीजल पर थोड़ा कम ही है, वहाँ से हम टैंकी फुल 18 किलोमीटर पूरा प्रॉपर। और ठंड बहुत ज़्यादा यार, कन्नू वो पीछे बैठ गया जाके आराम से। दरास पार किया था अभी तो आगे के पंप है ये, यहाँ पे डाल रहे दोनों डीजल। क्या होया, टायर भी गर्म हो गए हैं, आगे रुकते हैं खाना बनाएंगे, गाड़ी को भी रेस्ट देते हैं और डीजल देते हैं कितना पड़ा यहाँ तक। मैंने जम्मू से करवाई थी टैंकी फुल, और यहाँ पे कैसे लीटर है, 82 है, 85 है, 82 है यार, 85 है भाई, वहाँ 81-82 है, 3 रुपये महंगा यहाँ पे। अगर 200 लीटर पड़ता तो मुझे 600 का एक्स्ट्रा पड़ेगा हमको डीजल भाई। अभी यहाँ से करगिल 50 किलोमीटर पर, हम सुबह 5 बजे उठ के जाएंगे। नींद भी आ रही है, पवन कह रहे मेरे को भी नींद आ रही है यार, सो जाते हैं, कल वैसे भी गाड़ी खाली नहीं होनी, परसों ही पहुँचेगी, तो मेरे ना सही है यार, जहाँ थोड़ा सोते हैं। तो मेरे को भी टांग में दर्द था, तबीयत थोड़ी, और इन जो नाखून में लगा ना इसका भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर, टेक केयर, बाय बाय।